कमला हैरिस और भूपिंदर सिंह हुड्डा क्या भाई बहन हैं? बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने चंद महीने पहले एक अनसेड नोशन के बेसिस पे ये एक्सेप्ट कर लिया था कि दोनों के दोनों चुनाव जीत रहे हैं। कमला हैरिस सोच रही थी कि वो तो अमेरिका की राष्ट्रपति बन ही गई है, और वहाँ भूपिंदर सिंह हुड्डा अपने कपड़े सिलवा रहा था इस चीज़ को लेकर कि वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। दोनों के साथ पैरों तले जमीन निकल गई। ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका के केस में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव को पूरा का पूरा टर्न करके बदल कैसे दिया? उसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा सोच है। आज के इस वीडियो में उसी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं खुद भी उनमें से एक व्यक्ति था जो आज से कई वीडियोज़ पहले आपके साथ चर्चा करते हुए ये बात बोल चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना कम थी, क्योंकि डीप स्टेट जो अमेरिका का है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप आए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये डीप स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़के ये कैसा खेल रचा कि उसने चुनाव को ऐसे तरीके से पलट लिया कि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जो माहिरता हासिल करी वो अमेरिका के इतिहास में बहुत सुनहरे पन्नों में रची जाएगी। खेल क्या है इसको समझने से पहले अब आप देखिए कि ये बदला पूरा चुनाव कैसे। जो कमला हैरिस थी और उसका जो पूरा का पूरा कैंपेन था, वो कैंपेन एक प्रकार से लेफ्टिस्ट कैंपेन के तहत चलाया जा रहा था। ग्लोबल लेवल पर अगर हम राजनीति को ऑब्जर्व करें पिछले चंद सालों से, तो एक पॉइंट जो बड़ा कॉमन हर जगह पे उभरता हुआ दिख रहा है वो ये है कि लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा जितना भी है और जितनी भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है जिसको हम वामपंथिक सोच कहते हैं, इसका एक ग्लोबल लेवल पर रिजेक्शन हो रहा है। इसका रिजेक्शन क्यों हो रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो वामपंथिक सोच वाले लोग हैं, जिसमें कमला हैरिस भी एक थी, वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अब जो आम जनता के इश्यूज हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करते, आम जनता की जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करते। ये सारा का सारा चुनाव इस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहते हैं कि हर एक परिस्थिति सिर्फ इनके अनुकूल हो, और लोगों के मन में एक ऐसा नैरेटिव पेश करना चाहते हैं कि जिससे लोगों को ये लगे कि जो उनके इश्यूज़ हैं वो रेलेवेंट नहीं, बल्कि एक पार्टी की वामपंथिक सोच वो ज़्यादा रेलेवेंट है। गौर करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कमला हैरिस के पास अच्छा खासा मौका था कि वो एक अच्छा कैंपेन रन कर लेती। जो बाइडन जैसा सुत्तड़ कसम का जो राष्ट्रपति था, जब उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि उसने सुत्तड़ रहते हुए चार साल देश चलाया है, अब वो आगे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है चुनाव में, तो कमला हैरिस ने एक अच्छा कैंपेन क्यों नहीं डिज़ाइन किया? क्योंकि कमला हैरिस की जो सोच है वो वामपंथिक सोच थी। वामपंथिक सोच जिसके साथ उसने एक इस्लामिक जिहाद को ब्लेंड किया। मिशिगन, शिकागो जैसे स्टेट्स में जब उसने जिहादियों का सपोर्ट किया और उनको बेसिकली एकजुट करके एक ऐसा कल्चर लाने की कोशिश करी, तो यहाँ पर पूरा का पूरा चुनाव पलटने लगा। अब कमला हैरिस की जो अप्रोच थी उसको आज की डेट में हम वोक कल्चर बोलते हैं। वोकिज्म एक ऐसा शब्द जो आज की डेट में पॉलिटिकल डिक्शनरी में बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर रेलेवेंट हो रहा है। कमला हैरिस के हारने का सबसे बड़ा कारण, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का सबसे बड़ा कारण वोकिज्म है। क्यों? क्योंकि अगर आप कमला हैरिस के कैंपेन को देखें तो कमला हैरिस ने इस वोकिज्म कैंपेन में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी परिस्थिति पेश करने की कोशिश की जिसमें आम जनता के जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। सारी टिप्पणी सिर्फ ये थी कि हमारी सोच की विक्ट्री होनी चाहिए, हमारी सोच जो है वो ट्रंप के सोच के खिलाफ है, ट्रंप की सोच जो है वो देश के खिलाफ है। आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एक ग्लोबल फेनोमेना है। जो अमेरिका में दिख रहा है वो भारत में भी दिखता है, वो भारत में भी चल रहा है। आप ध्यान दीजिए हो क्या रहा है, वोकिज्म में होता क्या है, वोकिज्म और वोक कल्चर अमेरिका में कैसे कमला हैरिस को हराया, अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। वोकिज्म में बेसिकली ये होता है कि जितने भी आप यंग लोग हैं उन लोगों को एकजुट कीजिए, उनको बेसिकली बिना किसी कॉज के इंसाइट कीजिए, उनको रिबेलियस बनाइए, उनके थ्रू एक इकोसिस्टम को नर्चर कीजिए। और अगर आपने पिछले 4 से 5 महीने अमेरिका के चुनाव को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि कमला हैरिस के पूरे कैंपेन में एक वोकिज्म का पूरा इकोसिस्टम सामने आया। इस इकोसिस्टम में कौन से स्टेक होल्डर हैं? सबसे पहले इसमें कॉमेडियंस होते हैं, दूसरे इसमें जर्नलिस्ट होते हैं, तीसरे इसमें सिंगर्स होते हैं, चौथे इसमें जो है बेसिकली यूट्यूब पे प्रोपोगेंडा करने वाले, आपके एजेंडा रनिंग वाले जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं वो होते हैं, और सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाया जाता है। इस कैंपेन के तहत बेसिकली ये शो किया जाता है कि हमारी सोच देश की सोच है, दूसरे की सोच देश के खिलाफ है,
दूसरे की सोच देश को भ्रष्ट करने वाली सोच है, देश को तोड़ने वाली सोच है। इस इकोसिस्टम के कोर एक्टर्स को देखिए। टेलर स्विफ्ट एक सिंगर, वो कमला हैरिस को इंडोर्स कर रही है। टेलर स्विफ्ट को ही क्यों चुना गया? अमेरिका में तो एक सबसे प्रोमिनेंट जो सिंगर है, जो अमेरिका की धरती ने जिसको जन्म दिया, उसका नाम है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। क्या ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने आके कमला हैरिस को इंडोर्स किया? वो तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो है वो इन प्रकार के लोगों को केटर नहीं करता। लेकिन आप चीज को देखिए, टेलर स्विफ्ट यंग लोगों को, आज की डेट में जितने भी अमेरिका से लेके, भारत से लेके, अन्य देशों में जो यंग क्राउड है, टेलर स्विफ्ट के गाने सुनता है। वोकिज्म कल्चर के एक एक स्टेक होल्डर को समझिए। सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा, इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल्स पे अपने आप को निष्पक्ष बताने वाले पत्रकार जो कि चाटुकर्ता में नंबर वन है। दूसरे, ये जो प्रकार के पूरे स्टैंड अप कॉमेडियन से लेके, जर्नलिस्ट से लेके, पूरे के पूरे वेब सीरीज से लेकर कॉमेडी ग्रुप्स बनाकर कमला हैरिस ने जो नरेटिव रन किया, ये नरेटिव को बेसिकली अमेरिका की जनता ने नकारा। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि कमला हैरिस को ये लग रहा था कि ये जो वोक कल्चर का इकोसिस्टम है, क्योंकि उसका समर्थन उसको मिला हुआ है, तो वो चुनाव जीत जाएगी। और यहीं पर ट्रंप ने अपना खेल खेला। ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करी जो कि एक पॉपुलिस्ट लीडर बात करता है। इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं पॉपुलिज्म, तो पॉपुलिज्म का मतलब इकोनॉमिक्स में ये होता है, एक प्रकार का वो लीडर जो डायरेक्टली अपने संवाद को लोगों से बनाए, वो लीडर जो लोगों के इश्यूज को बोले, जिसकी वजह से लोगों को ये एक भावना प्राप्त हो कि ये व्यक्ति हमारे जैसा है, हमारी सोच जैसा है, हमारे बारे में और हमारे इश्यूज को लेकर चर्चा कर रहा है। ट्रंप ने किन इश्यूज के ऊपर चर्चा करी? उसने टेलर स्विफ्ट नहीं बोला, उसने कॉमेडियंस नहीं बोले, उसने सोशल मीडिया प्रोपोगंडा नहीं किया, उसने बोला रशिया यूक्रेन वॉर, ट्रंप ने बोला इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, ट्रंप ने बोला अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने बोला अमेरिका में इल्लीगल इमिग्रेंट्स, ट्रंप ने बोला सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या। ये जो चीज़ों के बारे में उसने बात करी, इन चीज़ों से अमेरिका की जनता जो है ट्रंप से रेजोनेट हुई। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ट्रंप ने जो उसने अपना कैंपेन का कोर बनाया, वो बनाया डीप स्टेट। डीप स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका में। ट्रंप ने बार बार हर एक पॉइंट को जताते हुए लोगों को ये बोला कि आपको जो ये इश्यूज कन्फ्रंट हो रहे हैं, वो चाहे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे वो इन्फ्लेशन की समस्या हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट जॉबलेसनेस की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या के पीछे यदि आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो है अमेरिका का डीप स्टेट। अब सवाल एक उठता है, ये डीप स्टेट आफ्टर ऑल अमेरिका में है क्या? ये बना कैसे? चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आज अगर हम डीप स्टेट को अमेरिका की स्टडी करते हैं, तो हम एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ देखते हैं कि 1910 के आसपास का जो समय था, वो समय ऐसा था कि अमेरिका में उस समय सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यापारियों की चलती थी। आम आदमी जो उस समय अमेरिका में रहता था, कहने को अमेरिका सिर्फ एक डेमोक्रेसी थी, लेकिन ये जो आम आदमी अमेरिका का एक नागरिक हुआ करता था, इसकी सरकार चलाने में, सरकार बनाने में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती थी। अब इस कारण से समस्या क्या होती थी कि अमेरिका की सरकार के अंदर भी वही लोग बैठे होते थे जो इन व्यापारियों के साथ नेक्सस में बैठते थे, और व्यापारी डिसाइड करते थे कि अमेरिका की सरकार चलेगी कैसे। ये बड़े लंबे समय तक अमेरिका की, अमेरिकन क्रांति के बाद, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, ये समस्या अमेरिका को कन्फ्रंट करती रही। इसके लिए प्रोटेस्ट सबसे पहले अगर हम देखें इतिहास में अमेरिका के, तो 1895 में हुआ, 1895 में। 1895 में ये हुआ कि जो उस समय न्यूयॉर्क था, न्यूयॉर्क के अंदर जो न्यूयॉर्क का लेजिस्लेचर था, वहाँ पर लोगों ने अपने चुनिंदा प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव डालना चालू किया। उन्होंने कहा कि भाई ये कैसी सरकार है कि जो सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यापारियों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि भाई बड़ा व्यापारी जैसे कि एंड्रयू कार्नेज हो गया, रॉकफेलर हो गया, सिर्फ इन लोगों की अमेरिका की सरकार में क्यों चलती है? हम भी तो लोग हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी पैसा दे रहे हैं, हम भी टैक्स दे रहे हैं, तो हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जाती? इस कॉन्टेक्स्ट में जब न्यूयॉर्क के अंदर उसकी लेजिस्लेचर में, न्यूयॉर्क के चुनिंदा प्रतिनिधियों के ऊपर जब न्यूयॉर्क के लोगों ने दबाव डाला कि इस परिस्थिति को बदलिए, तो उस समय सबसे पहले ये हुआ कि इन लोगों की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए न्यूयॉर्क की लेजिस्लेचर ने 1895 में एक कानून पास किया जिसको हम कहते हैं बेक शॉप एक्ट।
बेक शॉप एक्ट के तहत सबसे पहला जो काम हुआ वो ये था कि उस समय न्यूयॉर्क की लेजिस्लेचर ने ये बात बोली कि भाई अब कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति एक हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ये वर्करों के हित में एक फैसला लिया गया, क्योंकि जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग थे वो एक हफ्ते के अंदर हर एक व्यक्ति से 80-85 घंटे काम करा रहे थे। इससे उनकी ज़िंदगी में तनाव, समस्याएं, हेल्थ कंडीशंस ख़राब हो रही थी। ये कानून जैसे ही पास हुआ कि जिसमें एक लिमिटेशन लगाई गई कि 60 घंटे से ज़्यादा व्यक्ति कानूनी तौर पर काम नहीं करेगा और किसी व्यापारी ने अगर इसका उल्लंघन किया तो उसके ऊपर कानूनी सज़ा होगी, ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बना। अब ये मैटर जो है बेक शॉप एक्ट का, उस समय अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में भी गया। अब सोचिए कि उस समय जो अमेरिका की उच्च न्यायालय थी और सुप्रीम कोर्ट थी वो पूरी की पूरी व्यापारी वर्ग के हाथ बिकी हुई थी, और उस समय ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बेक शॉप एक्ट को नलीफाई कर दिया, व्यापारी वर्ग का साथ दिया। अब जब ये हुआ इसके बाद 1920 और 1930 में अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो अमेरिका की सरकारें थीं, जो अलग अलग गवर्नर्स थे, अमेरिका का उस समय जो राष्ट्रपति थे, इन सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि भाई अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट यदि अगर व्यापारी वर्ग का एजेंडा चलाएगी तो इससे समस्या ये होगी कि लॉन्ग रन में हम चुनिंदा प्रतिनिधि अपने लोगों के सामने जाकर उनको क्या जवाब देंगे। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कॉन्फ्रंटेशन अगर किसी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हुआ तो वो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। रूजवेल्ट ने कहा कि भाई अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जो लॉ मेकिंग का काम है, यानी कि जो कानून बनाने का काम है, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रूजवेल्ट को भी धमकाया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने रूजवेल्ट को धमकाया तो रूजवेल्ट ने वापस सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ये मत भूलिएगा कि मेरे पास अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए पावर है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को बढ़ा दूंगा, और यदि 9 जजेस जो एग्जिस्टिंग बैठे हैं अगर मैंने उसको बढ़ाकर 15 कर दिया और वहाँ पर चुनिंदा अपने 6 जजेस ले आया तो इन 9 जजेस की चलेगी नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एकदम लाइन पे आ गया, और रूजवेल्ट ने उस समय अमेरिका में एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जिसको हम आज की डेट में जानते हैं द न्यू डील प्रोग्राम के तहत। अब ये न्यू डील प्रोग्राम क्या था? ये न्यू डील प्रोग्राम था कि भाई अमेरिका की जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे, अमेरिका की जनता को मिनिमम वेजेस दी जाएंगी, उनको सिविल लिबर्टीज, सिविल राइट्स दिए जाएंगे। ये जब चीज़ हुई तो इस समय अमेरिका के अंदर जो उसकी ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, उसका इनलार्जमेंट हुआ। इस इनलार्जमेंट को इसलिए महत्वपूर्ण तरीके से समझना है क्योंकि अब आप चीज़ को देखिए कि अमेरिका के नागरिकों के हित में जो फैसले लिए जाएंगे सरकार की तरफ से, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक क्लास, यानी कि एक नौकरशाह का वर्ग क्रिएट किया गया। और ये जो नौकरशाह उस समय अपॉइंट किए गए, ये इस प्रकार से किए गए कि ये लोगों के हित में फैसले लेंगे। 1930-40 के दशक से जब ये नौकरशाह वर्ग बढ़ा तब लोगों के हित में फैसले तो होते थे, लेकिन 1950 में जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये जो पूरा नौकरशाह वर्ग था ये इतना ज़्यादा मजबूत होने लग गया कि ये फिर से ग्रेजुअली डिस्कनेक्ट होने लगा उन लोगों से लिए जिन लोगों की सेवा के लिए ये बना था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस नौकरशाह वर्ग को उस समय सपोर्ट मिला मिलिट्री का, उस समय फिर से सपोर्ट मिला कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के समय इंटेलिजेंस संस्थाओं का, और फिर एक नेक्सस दोबारा से बना जिसको हम अमेरिका में जानते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स के नाम से, यानी कि मिलिट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री और जो ये नौकरशाह वर्ग, ब्यूरोक्रेसी, इन सारों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए। ये सारे के सारे लोगों से फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, नौकरशाह जो था वो लोगों को दबाने लग गया, और ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स बना ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ अमेरिका के डीप स्टेट में। और डीप स्टेट का मतलब है अ स्टेट विद इन द स्टेट, यानी कि एक स्टेट के अंदर एक पैरेलल स्टेट, एक शैडो स्टेट। ये जो शैडो स्टेट था जो कि इनविजिबल था, क्योंकि विजिबल क्या है? विजिबल है आपके सामने अमेरिका का राष्ट्रपति, विजिबल है अमेरिका की सेनेट, कांग्रेस, लेकिन ये था एक इनविजिबल स्टेट जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा था। लेकिन क्या ये लोगों के हितों में काम कर रहा था? कोई लोगों के हितों में काम नहीं कर रहा था। ये ग्रेजुअली इतना पावरफुल होने लगा
कि एक पॉइंट पर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स का कौन सा कैंडिडेट होगा, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक डीप स्टेट कॉम्प्लेक्स जो था ये इस चीज़ को भी डिसाइड करने लग गया। और जाहिर सी बात है कि जब ये डिसाइड करता है इस प्रकार के किसी भी चीज़ को कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति का कैंडिडेट भी कौन होगा, तो ये वो ही चाहेगा जिससे कि इनके खुद के इंटरेस्ट्स पे कोई आंच ना आए। अब खेल को समझिए, डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट का एनिमी क्यों बना? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी है। डोनाल्ड ट्रंप उसका नाम नहीं, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप बंसल, डोनाल्ड ट्रंप अग्रवाल। वो ठहरा एकदम बिल्कुल हार्डकोर व्यापारी आदमी। व्यापार करने वाला व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अगर आप देखें कभी भी लड़ाई को नहीं पसंद करेगा। व्यापार करने वाला व्यक्ति लड़ाई के हमेशा खिलाफ रहेगा क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई कभी भी पसंद नहीं आएगी। अब यहाँ पर सारा खेल आता है क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक कैंडिडेट पोर्ट्रे करके खड़ा हुआ और उसने अलग अलग जगह पर स्पीचेस देते हुए ये बात बोली कि भाई हम तो किसी भी प्रकार की लड़ाई को फैसिलिटेट नहीं होने देंगे, तो इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन किस पे आया? डीप स्टेट पे। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट में कौन है? सबसे पहले है नौकरशाह। नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसके साथ मिली हुई है? वो मिली हुई है मिलिट्री के साथ और इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्री कौन है? जो डिफेंस इंडस्ट्री है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो डिफेंस इंडस्ट्री का धंधा नहीं चलेगा। मिलिट्री अगर उसको इनोवेट करके अलग अलग जगहों पर डिप्यूट नहीं करेंगे तो मिलिट्री क्या अमेरिका में बैठ के नरेगा में 100 दिन का खेतीबाड़ी का काम करेगी? आप सोच के देखिए। इस रीजन से डीप स्टेट जो है वो ग्रेजुअली ट्रंप को हेट करने लगा। उन्होंने बार बार हर एक कोशिश करी ट्रंप को बेसिकली डाउनग्रेड करने की। जब ट्रंप ने 2016 में सबसे पहली बार चुनाव लड़ा था अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो उस समय अगर आपको याद हो तो यही डीप स्टेट ओबामा और हिलरी क्लिंटन जैसे निकम्मे लोगों के तहत इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डाउनग्रेड करने के लिए उसके ईमेल्स को लीक कर दिया और लीक करके बार बार ये दिखाने की कोशिश करी कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है एक सही प्रकार का व्यक्ति नहीं है, कि उसको आना चाहिए, वो दूसरे देशों से सपोर्ट ले रहा है, वो जो है रशिया उसके इलेक्शन में इंटरफेयर कर रही है, फलाना ढिकाना का कैंपेन चलाया गया। तो क्योंकि डीप स्टेट को ये बात मालूम थी कि डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने आकर सारी लड़ाइयाँ रुकवा देनी है, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हो, इसराइल हमास के बीच में युद्ध हो, या फॉर दैट मैटर मान लीजिए अफगानिस्तान में जो अमेरिका उस समय युद्ध लड़ रहा था। ये सारी चीज़ों का जो फायदेमंद था वो था ये डीप स्टेट। तो डीप स्टेट किसी भी तरीके से ना उस समय चाहता था ना अब चाहता था। अब क्योंकि ट्रंप 4 साल ऑलरेडी अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुका था, उसको डीप स्टेट कैसे फंक्शन करता है ये बात पता थी। इसी रीजन से अब आप खेल देखिए कि इस बार जब चुनाव हुआ तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि ट्रंप ने अपना पूरा कैंपेन डिजाइन इस तरीके से किया कि उसने ये बात जनता के मन में जाकर बसा दी कि देखिए आपकी इन्फ्लेशन की समस्या, आपकी बेरोजगारी की समस्या, आपकी भुखमरी की समस्या, आपके रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण अमेरिका के जो रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे हैं उसकी समस्या, इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण है वो है डीप स्टेट। इसके तहत अमेरिका में ट्रंप ने इस पूरे कैंपेन में दो बड़े एनिमीज आइडेंटिफाई कर लिए। एक एनिमी जो कि आम आदमी की समस्या थी और दूसरा एनिमी डीप स्टेट। अब अमेरिका के अंदर जब लोगों के मन में ये बात पहुंच गई और ट्रंप के कैंपेन के तहत ये बात उनको समझ आ गई कि ट्रंप बिल्कुल सही बोल रहा है कि डीप स्टेट ही नहीं चाहती है कि हमारे बेसिकली इन समस्याओं का हल हो, उसी समय पैरेलल लेवल पर अगर आप देखें तो कमला हैरिस के कैंपेन में टेलर स्विफ्ट जैसे लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं, ओबामा खड़े होकर तालियां बजा रहा है, मिशेल ओबामा आके जो है अपनी शक्ल दिखा रही है। भाई इन चीज़ों से लोगों के मन में फिर वही चीज़ बैठने लगी कि भाई कमला हैरिस जैसे जो लोग हैं ये हमारी समस्याओं का हल निकालने के लिए नहीं आए हैं, ये सारे के सारे डीप स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं, इनको सिर्फ डीप स्टेट को धंधा दिलवाना है। इसी रीज़न से हमारी समस्याओं के बात करने के बजाय ये पूरे के पूरे वोक कल्चर को और उस वोकिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में एक चीज़ तो तय हो गई कि ट्रंप ने चुनाव जीता लोगों के दम पे और कमला हैरिस को चुनाव हराया अगर किसी ने तो वो लोग थे, और लोगों के मन में डीप स्टेट को लेके जो पूरी की पूरी समस्या थी वो थी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी चीज़ ये उठती है कि आने वाले समय में ट्रंप
अब डीप स्टेट को लेके क्या करेगा। खैर, डीप स्टेट को लेके जो ट्रंप ने करना है, जैसे जैसे वो चीज़ें अनफोल्ड होंगी उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी कोई लीडर आता है किसी भी देश में, और जब वो लोगों के हितों के बारे में बात करता है, और जब वो डीप स्टेट के खिलाफ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि डीप स्टेट उसका ओपोजिशन करती है। आज की डेट में भी भारत के अंदर अगर हमारे यहाँ पर कोई सबसे बड़ा डीप स्टेट है, तो आपको शायद सुनकर बड़ी सरप्राइजिंग बात ये लगेगी कि वो हमारा नौकरशाह वर्ग है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं। क्योंकि ये पिछले 70-75 सालों से एक ऐसे नैरेटिव में फंसे हुए हैं कि इनको ये बात सिखाई गई है, इनके मनों में गढ़ी गई है कि भारत जो है वो व्यापार नहीं करेगा, भारत व्यापार करने लायक नहीं है। इसी रीज़न से जब से 2014 से सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करी है, आप देखिए कि ये डीप स्टेट के लोग जो मीडिया में भी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में रिटायर होने के बाद किताबें लिखने में भी हैं, जो इसके बाद अखबारों में एडिटोरियल लिखने वाले भी हैं, इसके साथ साथ कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर जो पूरा यूट्यूब पे इकोसिस्टम बना हुआ है आप सब जानते हैं, ये सारे के सारे लोग आज की डेट में वही काम कर रहे हैं जो अमेरिका में कमला हैरिस के बिहाफ पर कमला हैरिस कर रही थी ट्रंप के खिलाफ। क्यों? क्योंकि सिर्फ भारत ने जब से ये बात बोली कि भारत के लोग व्यापार कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसकी वजह से इस एक भारत के नौकरशाह वर्ग में बड़ी स्ट्रेस और टेंशन पैदा हो गई। अब आप कहेंगे कि कितनी बेहुदा बात है, आप मेरे को शायद कोसेंगे भी कि कितनी बेहुदा बात ये बोल रहा है कि ये कह रहा है कि नौकरशाह वर्ग भारत का एक डीप स्टेट है। आप सोच के देखिए दोस्तों, पिछले 70 सालों से भारत में जो नौकरशाह वर्ग है उसने सारी की सारी पावर कंट्रोल कर रखी है। आज की डेट में यदि सरकार आके ये बोलती है कि ये पावर अमेरिका के जैसे ट्रंप ने बोला कि लोगों को दी जाएगी, वैसे ही जब भारत की सरकार ने बोला कि भाई सारी की सारी पावर लोगों को दी जाए, लोग अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करें, लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, ये फ्रीडम उनको दी जाए, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको हुआ? उस नौकरशाह वर्ग को, जिससे ये पावर छीनी गई। और जैसे ही ये पावर उससे छीनी गई, आपने इस डीप स्टेट का पूरे के पूरे पिछले 10-10.5 सालों से जो एक्टिव नैरेटिव है आपके सामने है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझदार हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन सा डीप स्टेट कहाँ कैसे काम कर रहा है। इसी रीज़न से जब भारत की सरकार को ये बात समझ आई कि भाई ये डीप स्टेट को टैकल करना तो मुश्किल है, तो क्या भारत सरकार ने उस समय हाथ खड़े कर लिए? आंसर नहीं है। भारत सरकार ने जन विश्वास एक्ट लाए। जन विश्वास एक्ट के तहत उन्होंने एक नया रवैया पकड़ा। नया रवैया क्या था? नया रवैया ये था कि भाई यदि मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी अगर एक डीप स्टेट के तहत काम करेगी और लोगों को पावर पहुंचने और देने में बाधाएं डालेगी, तो इस ब्यूरोक्रेसी को रिडंडेंट बनाया जाए। सरकार ने जन विश्वास एक्ट के तहत भारत में क्या किया, उन्होंने कई ऐसे रूल्स को आइडेंटिफाई किया जो व्यापार के खिलाफ थे। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जन विश्वास एक्ट के तहत भारत के जब अलग अलग कानूनों को पढ़ा गया तो वहां पर 26,134 क्लॉजेज, 26,134 क्लॉजेज ऐसे पाए गए जो भारत में बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, लोगों की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, लोगों तक पावर को पहुंचने में रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। सरकार का इस पर्टिकुलर फिगर को आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहला रवैया वो था कि ये सारे के सारे प्रोविजंस को रैशनलाइज किया जाए। रैशनलाइज करने के बाद कई ऐसे प्रोविजंस जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हैं, उसमें 113 क्लॉजेस को तो डिक्रिमिनलाइज किया गया, और फाइनली 5,239 क्लॉजेस जो हैं उनको रैशनलाइज किया गया। सवाल सिर्फ एक है, एक डेमोक्रेसी में अगर पावर लोगों के हाथ में है तो ये लोगों के हाथ ही रहनी चाहिए, ये डीप स्टेट के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के चुनाव ने ये चीज़ को प्रूव कर दिया। ट्रंप ने डीप स्टेट के खिलाफ जो ये लड़ाई लड़के प्रूव कर दिया कि लोगों को अमेरिका के डिसाइड करना है कि उनको डीप स्टेट चाहिए या उनकी समस्याओं का हल चाहिए। चुनाव का नतीजा आपके सामने है। अब अमेरिका में जैसा मैंने आपको बोला कि ट्रंप डीप स्टेट को डिसमेंटल करने के लिए क्या रवैया अपनाने जा रहा है, जो वो रवैया होगा उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आने वाले समय में मैं ज़रूर बनाऊँगा।
पर आई होप इस वीडियो के बाद कम से कम अब आपको ये चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि ट्रंप आफ्टर ऑल चुनाव जीता कैसे। ईवीएम की गड़बड़ियाँ हर जगह नहीं होती, कई बार लोग जो हैं आपको पसंद नहीं करते। इस चीज़ को अमेरिका की जनता ने अच्छे तरीके से कमला हैरिस को बता दिया। धन्यवाद।